बीते 20 दिनों से गंगा जमुना बस्ती को लेकर पूरे नागपुर शहर में घमासान चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ज्वाला थोटी, इन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आने वाले 2-3 दिनों में इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो उनकी ओर से जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। गंगा जमुना बस्ती के विवाद को लगभग 20 दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ज्वाला थोटी की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान राजे बुदोजी भोसले भी मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बस्ती का कई वर्षों पुराना इतिहास है, अचानक प्रशासन इस मामले में कैसे कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने गंगा जमुना बस्ती के इतिहास पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रशासन को इस मामले में एनजीओ से बात कर कार्रवाई करनी चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए। हम लोग आए, पहले तो मैं सब उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ज्वाला ढोटे राजा साहब, उनके नाम हमको ज्यादा मालूम नहीं है, इतने सालों से जो बस्ती थी, जब लोगों को एतराज क्यों नहीं हुआ? जब कोई पुलिस वाला आता है इस बस्ती को कड़क वाला, जब ही लोग ये मुद्दा उठाते हैं, सब लोग ये बोलते हैं हमारी औरतों को परेशानी होती है, घर वालों को परेशानी होती है। बीच में भी तो मुद्दा उठाना चाहिए बस्ती वालों को, क्या बस्ती वाले गंगा जमुना में भी जाते हैं? जो जो ये जिनने भाषण दिए है, जो जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इस बस्ती में आते थे कई औरतों के पास, लेकिन अब इतना खिलाफ बोलने लगे हैं हमारे कि हमको निकलना मुश्किल हो गया है। आगे भी तो उनको आवाज उठाना थी ना, जब पुलिस ठंडी हो जाएगी तो बस्ती भी ठंडी हो जाती है, फिर गंगा जमुना में क्यों बसे हुए हैं लोग? उनको छोड़ के जाना चाहिए ना। हमारी बस्ती तो कितनी पुरानी है, जब बस्ती नहीं बनी थी जब से बसी हुई है बस्ती, और हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमको सब लोग बोलते हैं पुनर्वसन करो, पुनर्वसन करके हम क्या खाएंगे? कोई हम लोगों की शादी करवाएगा क्या? कमिश्नर साहब शादी करवा रहे हैं तो 2-4 औरतों को बोल देती जैसे समाज में शादी होती है वैसे शादी करवाई जाए, क्योंकि हम आज से नहीं कईयों साल से रहते हैं, हमारे माँ मतलब नहीं रहते थे। और दूसरी बात, ये लो सीपी साहब बोलते हैं कि हमारा पुनर्वसन करेंगे, 30 से 40 साल की औरतें हम, कम से कम 40-50 औरतें होगी, वो किस किस का करेंगे? क्या हमारी शादी करके देंगे वो? और शादी भी हम ऐसे इंसान से करना चाहते हैं जो सरकारी नौकरी वाला हो, जो हमको ना छोड़े, क्योंकि के गरीबों से भी शादी करके क्या मतलब है? बेवड़े से शादी करेंगे तो उसको भी हमको ही खिलाना पड़ेगा ना। आज कितने रिक्शे वालों की शादी होती है औरतों की, उनकी औरतें क्या करती है? उनको ही खिला रही है ना काम करके। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर सीपी साहब हमारी शादी करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे आदमी के साथ शादी करी जाए जिसके खुद का घर हो, सरकारी नौकरी हो, ताकि वो हमारे बच्चों को नाम दे सके, उनकी शादी करवा सके। और सीपी साहब खुद लिख के दे, क्योंकि सीपी साहब का तो भरोसा नहीं है, आज यहाँ है कल और कहीं ट्रांसफर है, तो हम किसको पकड़ेंगे कि हमारी शादी इनने करी थी? कुछ साल बाद अगर वो हमको तलाक दे देंगे तो हमको आना तो यही पड़ेगा ना। इस वक्त गंगा जमुना बस्ती की वरांका नायक भी मौजूद थी, उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वही कहा कि क्या प्रशासन इनकी शादी करा कर देगी, और अगर करा कर देती है तो प्रशासन उन्हें आश्वस्त करे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो और उसका खुद का घर हो, अगर उनसे ये नहीं होता है तो उन्हें उनका यह व्यवसाय करने दे। करना रोजी रोटी बंद कराए सर्व करायचे, पहिले एक तो शासनाने 2 टाइमचं जेवणाची व्यवस्था करायला पाहिजे होती। आज जसं ज्वालाताई म्हणाल्या की साधारण पक्ष आम्ही जानवरांवर भी अत्याचार होत नाही, आणि जानवरावर अत्याचार झाला की हजारो संघटना पुढे येतात, मग ह्या लोकांवर अत्याचार झाला तेव्हा हे सर्व संघटना कुठं झोकून राहिल्या ह्या मला कळत नाही। शेवटी हे मानव आहेत, आणि मानवाने जर मानवाचा विचार केला नाही तर मला नाही वाटत की पशुत्व जगवायला आम्हाला खूप जास्ती वेळ लागेल, जसं यांनी म्हटलेलं आहे। तर माझं निवेदन शासनाची हेच आहे की हे लोक आहेत, या लोकांना तिथं सन्मानाने राहू द्यावं, ज्या लोकांना पटत नसून त्या लोकांनी तिथून दूर व्हावं, आणि ह्यांची व्यवस्था जिथपर्यंत मानसन्मानाची होत नाही, ह्यांना योग्य मानसन्मान मिळत नाही तिथपर्यंत अशा प्रकारचं ह्यांना उपासमारीची वेळ न येऊ देणे जास्ती चांगलं राहील। कारण की मी एक छोटं उदाहरण देतो, पहिलं जे लॉकडाऊन झालं त्यावेळेस लोकांना खायला नव्हतं, बऱ्याचशा ठिकाणी बऱ्याचशा संस्था कार्य करत होत्या, पण आमचा महाराजा ट्रस्ट आणि आमचा लायन्स क्लब या लोकांनी
या मातांसाठी या बहिणींसाठी 3 महिने तिथं अन्न पुरवठा केला, त्याच्यामधनं त्या टीममधनं एक सारंग ढोक इथं आलेलेच आहेत. माझे चिरंजीव खुद जयसिंग भोसले त्या एरियामध्ये, हे यंग मुलं त्या एरियामध्ये फिरून जेवण वाटलं त्यांच्यासाठी, नकपीन औषधापासून सर्व त्या लोकांना त्यावेळेस माता बहिणी म्हणून त्यांनी मदत केली. त्यावेळेस हे शासन कुठं झोपलं होतं किंवा जे ऑब्जेक्शन घेते त्या लोकांनी त्यावेळेस ना खाऊ तरी घातलं का? इस अवसर पर हमारी संवाददाता ने जब ज्वाला ठोटे से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार कौन होते हैं वीरांगनाओं को वहां से हटाने वाले. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगे हमारी ओर से जो भी होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा. बीते कुछ दिनों से पूरे नागपुर शहर में गंगा जमुना बस्ती को लेकर घमासान देखा जा रहा है. हर ओर से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा जा रहा है. बीच में पुलिस और गंगा जमुना बस्ती के लोगों में भिड़ंत हो गई थी, कहीं ज्वाला ढोटे और बस्ती के लोगों में भी भिड़ंत हो गई थी. और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्वाला ढोटी जी है जिनसे आज हम बात करने वाले हैं. मैम, इस बारे में ये जो मुद्दा है गंगा जमुना का, 20 दिन हो गए हैं अब तक इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की है, क्या कहना है आपका? मुझे एक शायरी याद आई, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, अरे चलो तो जमाने को साथ लेके चलो. जिस तरह हम और आप इस देश के नागरिक है, जिस तरह हमें और आपको सम्मान की जिंदगी मिलती है, उसी तरह मेरी वारांगनाएं माता बहनें भी इस देश की नागरिक है. इस संविधान का वो भी एक हिस्सा है, इस भारत का वो भी एक अविभाज्य हिस्सा है. तो उनको सम्मान की ज़रूरत नहीं, वो सम्मान की अधिकारी नहीं. गए 20 दिन से उनको नज़र कैद में रखा है पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने. ये संविधान का गला घोटने जैसा है, लोकशाही का गला घोटने जैसा है, मानव अधिकार का गला घोटने जैसा है. आप मुझे बताओ, इस तरीके की सलूक तो हम हमारे घर के जानवरों के साथ भी नहीं करते हैं. जिस तरह उन माता बहनों को भूखा मरने के लिए बैरिकेड लगा के अमितेश कुमार ने छोड़ दिया है, मेरे ख्याल से वो राह देख रहे हैं कि ये महिलाएं कब आत्महत्या करती है और ये जगह खाली हो जाएंगी और मैं बिल्डर लॉबी को ये जगह हैंडओवर कर दूंगा. ये सब गंभीर बात है. हर एक चीज़ की कुछ मर्यादा रहती है, कुछ सीमा रहती है. कुछ गलतियां अगर उनसे होती है तो वो गलतियों का हम बैठ के निवारण कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के पेट पर लात मारो. इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12-35 में मेंशन किया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में. यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, वो फंडामेंटल राइट्स को ही पैरों तले अमितेश कुमार ने रोंग दिया है. हमें अपने पसंद का व्यवसाय करने का अधिकार हमको संविधान देता है. हमें देश में किधर भी व्यवसाय करने का है, किधर भी घूमने का है, उसका अधिकार हमको संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है. ये माता बहनें किसी के घर पे नहीं जाती. ये माता बहनें जिस प्रकार से आप कॉल गर्ल संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं अमितेश कुमार जी, ये पूरा क्लियर पिक्चर है कि आपके चश्मों से सिर्फ अमीरी दिख पाती है, गरीबों की पीड़ा आप आपके चश्मे से देख नहीं पाते. ये वेश्या व्यवसाय बंद करके, गंगा जमुना बंद करके आप कॉल गर्ल संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं क्या? आप महाराष्ट्र शासन हो, आप केंद्र शासन हो, इनकी पुनर्वसन की बात आप किस बेस पर करते हो? आप सरकारी नौकर हो, यू आर पब्लिक सर्वेंट. सर्वेंट बन के रहिए, मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए. ये जो मेरी माता बहनें हैं वारांगनाएं, ये लोग टैक्स भरती है, दे आर टैक्स पेयर. वो टैक्स भरती है और अमितेश कुमार आपकी सैलरी होती है. हम टैक्स भरते हैं इसलिए आपकी सैलरी होती है. अरे आपका काम जनता की सेवा करने का है, यू आर पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक के मालिक बनने की कोशिश मत करो अमितेश कुमार. और हर एक बात की सीमा रहती है, हर एक बात की कुछ मर्यादा रहती है. कितना दबाओगे, कितनी उनकी बद्दुआ लोगे, कितना उनके पेट पे मारोगे? ईंट का जवाब पत्थर से हमको देते आता है.
आने वाले 2-4 दिन में अगर बैरिगेट हटते नहीं है, आगे जो आंदोलन होंगे उसको वापस से जिम्मेदार अमितेश कुमार रहेंगे। इसके पहले भी 2 बार मैंने बैरिगेट्स निकाल के फेंकी हूँ। मैं प्रशासन और शासन को हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ कि मुझे हैट्रिक करने पे आप फोर्स मत कीजिए। तीसरी बार आके बैरिगेट उखाड़ने की मुझ पर नौबत ना आए। मानव अधिकार का सम्मान रखते हुए, संविधान का सम्मान रखते हुए, फंडामेंटल राइट्स का सम्मान रखते हुए तुरंत वो बैरिगेट्स वहाँ से हटाए। और पुनर्वसन की बात आप क्यों करते हैं? इनका पुनर्वसन क्यों होगा? इनके खुद के मकान हैं। गंगा जमुना बस्ती है, पहले से बसी है, स्थानिक लोग बाद में आए हैं। स्थानिक लोग बोलते हैं ना कि ये महिलाएं गंदी है, व्यभिचारी है, कलंकित है, यानी ये महिला गटर है। तो ठीक है, गंगा जमुना गटर है तो गटर के बाजू में घर क्यों लिए? गंगा जमुना अगर गटर है, नाला है, गंदा है, कूड़ा है, कचरा है, तो कूड़े के पास, कचरे के पास, गटर के पास, नाले के पास आपने मकान क्यों लिए? गंगा जमुना को तो 300 साल का इतिहास है, आप स्थानिक लोग बाद में आए हो और आप बोलते हैं कि आपके घर के बेटियों की शादी नहीं होती। लिस्ट दो, बोलने को तो कोई भी कुछ बोलेगा। मैं बोलूंगी ताजमहल मेरे बाप का है तो ताजमहल मेरा हो जाएगा? ताजमहल क्या फिर मेरा हो जाएगा क्या? अगर आपके घर की बेटियों की शादी नहीं होती तो 30 साल की उम्र पार की हुई बेटियों की मुझे लिस्ट दीजिए कि हमारी बेटियां बिन ब्याही घर पे बैठी हुई है। आज ये केंद्रित है, सबको पता है इधर देह व्यापार होता है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने को आसानी है। ये शहर भर अगर सब फैल गया तो विल इट बी पॉसिबल फॉर पुलिस डिपार्टमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सिटी? शहर में इतने गुंडे बदमाश पड़े हुए हैं, भू माफिया पड़े हैं, रेत माफिया पड़े हैं, शराब माफिया पड़े हुए हैं, उन पर तो आप अंकुश नहीं लगाते और ये अबला नारी पे अपनी मर्दांगी दिखा रहे हो? शर्म आती नहीं अमितेश कुमार आपको? गुंडों पे दिखाओ वर्दी का जोश, अपनी बाजुओं की ताकत वो गुंडे मवालियों पे दिखाओ, बदमाशों पे दिखाओ, खूनी मर्डररों पे दिखाओ, बलात्कारियों पे दिखाओ। ये अबला नारी जो खुद बिचारी शोषित है, जो पहले से दुखी है, उन पर क्या अपनी ताकत दिखा रहे हो, मर्दांगी दिखा रहे हो? शेम ऑन यू अमितेश कुमार। कहीं ना कहीं आपने अमितेश कुमार पे सीधे आरोप लगाए हैं, पर कहते हैं कि एक और एक लड़की, मतलब एक औरत ही जो आभा पांडे है, उन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया, मतलब पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की कार्रवाई का समर्थन किया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस विषय पे आप क्या कहना चाहती है? जिसकी जैसी सोच रहेंगी, जिसके जैसे संस्कार रहेंगे, जिसकी जैसी संस्कृति रहेंगी, वो वैसा चित्र जनता के सामने अपना रखता है। मुझे तो वो खुद एक महिला है, मैं तो उनको पहचानती भी नहीं कौन है आभा पांडे। वो खुद एक महिला है, जैसे मैंने पहले भी कहा, महिला ही महिलाओं की दुश्मन रहती है, स्थानिक महिलाओं की पीड़ा उनको समझती है, तो इन महिलाओं की पीड़ा वो देख नहीं पाती क्या? वो भी चश्मा जो लगाती है, अमितेश कुमार जैसा ही चश्मा लगाती है क्या? वो भी अमेरिका चश्मा कि सिर्फ स्थानिक लोगों की उनको तकलीफें दिखती है? ये माता बहनें उनकी बहनें नहीं है? और अगर उनका कुछ समस्या है, अगर वो कहती है कि स्थानिक लोगों को कुछ परेशानी है, तो बैठ के मसला निकल सकता है, बैठ के कुछ इसमें नतीजा हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 20 दिन तक इनको नजर कैद में रखो, इनके रास्ते बैरिगेट लगा के बंद कर दो, इनको भूखा मरने के लिए छोड़ दो, अपने घर पे काम देना आभा पांडे ने इन लोगों को। कल मैं ले जाती हूँ ये 5,000 वारांगनाओं को आभा पांडे के घर पे, ये सभी 5,000 माता बहनों को वो आभा पांडे ने अपने घर पे काम देना। तो कहीं ना कहीं सीधे पुलिस प्रशासन और आभा पांडे का ज्वाला धोटे यहाँ पे इन्होंने विरोध किया है, जहाँ पे हमने जाना कि अगर प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए खुद पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, साथ ही प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ मैं दिशा हटवार, BCN News नागपुर।